आज है 2 जुलाई और आज मैं जा रही हूँ भोपाल. सो आज ये ट्रैवलिंग व्लॉग होगा एंड मैं फर्स्ट टाइम ऐसा व्लॉग कर रही हूँ. होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई. एंड चलो अभी देखो मैं रेडी खड़ी हूँ और ये देखो मेरा पैकिंग का सामान. देखो मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, मैं 7 के आसपास आऊँगी वापस. तो देखो ये मेरा पैकिंग का सामान है और यहाँ पापा लगे हुए हैं. इतना सारा सामान लेके जा रही हूँ मैं. तो चलो अभी हम चलते हैं एंड सबसे मिलवाती हूँ. पापा ने मास्क तो सही से बांध लो एटलीस्ट. क्या कर रहे हो डैडी? ये देखो ये कार्टून है, ये हमारे घर के सबसे ज्यादा कार्टून है. देखो गाइस मैं जा रही हूँ और आप ऐसे नाच रहे हो. बाय. एंड ये देखो इसको कोई परवाह नहीं है, ये तो खुश है, ये खुश है इतना. इसको मैं क्या हम जा रहे हैं. एक्चुअली मैं बड़े पापा बड़ी मम्मा के साथ जा रही हूँ एंड वो दिल्ली तक मेरे को ड्रॉप करेंगे. देन उसके बाद मैं ट्रेन में अपनी बुआ के साथ जाऊँगी. देखिए चल ठीक है. एंड ये सेक्टर 17 है. यहाँ पे मेरा 11th 12th में मैंने जिस स्कूल से की है वो स्कूल इस एरिया में पढ़ता है गाइस. ये सेक्टर 17 है. Later that same evening. कैसे पहुंचे हैं हम? भागते भागते रेस लगा के सही में गिर गई थी. एंड ये फूफा जी. तो अभी रास्ते में बहुत नॉइज है, यहाँ पे आवाज नहीं आएगी. बट हम लोग सुबह तक पहुंचेंगे अभी. कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे. यहाँ पे देखो फैमिली से ट्रेन जा रही है बट आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि रात का टाइम है, अंधेरा है और 10 बज चुके हैं ऑलरेडी. एंड ट्रेन की आवाज़ सुन सकते हैं. सो अभी हम मथुरा पहुँच गए हैं, कृष्ण नगरी मथुरा. तो यहाँ पे ना ये HP का गैस प्लांट है. गैस प्लांट है. सॉरी आगरा. देखो गाइस देख सकते हो पता क्या आगरा. ठीक है गाइस सो मैं आगरा में. आगरा मॉर्निंग गाइस. टाइम हो गया है 5:10 और अभी पहुंचने वाले हैं. मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई है. जैसे आप लोगों को पता है मैं नाइट आउट हूँ तो पूरी रात बेचैन होती रही हूँ इधर उधर, कभी कुछ कभी कुछ. कितना फ्रेश लग रहा है और पता है यहाँ पे मौसम भी बहुत ठंडा है. वहाँ इतनी गर्मी थी एंड कौन सा स्टेशन है मैंने अभी तक देखा भी नहीं है. विदिशा. तो अभी इतनी ठंड है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम से मौसम बिल्कुल चेंज. जैसे वहाँ दिल्ली साइड इतनी गर्मी और यहाँ इतनी ठंड है. तो अभी पहुँचने वाले हैं. इंजॉय कर रहे होगे आप इस ब्लॉग को.
रेडी हो गए हम लोग उतरने के लिए, स्टेशन आ गया। एंड बुआ को देखो सामान, फूफा जी उधर बैठे हैं। चलो गाइस अब आप लोगों को भोपाल मैंने दिखा दिया। फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। एंड दीदी एंड जीजू ये रहे, अभी कार में सेटल होंगे, उसके बाद घर जाएंगे। मेरा पहला तो बाहर देखो कोई एयरपोर्ट की तरह अंदर एयर चालू नहीं हो, एक महीने बाद होना है चालू। ये पूरा वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फाइव स्टार होटल भी आ रहे हैं। पापा से मैंने कहा पापा बैठेंगे। और डर वैसे लगे, सामान भी है, किसी और ट्रेन में चढ़ जाती ना सबका कल्याण हो जाता। एक बार सोसाइटी में रहने की आदत हो जाए ना, आप रह ही नहीं सकते मोहल्ले वगैरह उसमें। मतलब बाहर कर्फ्यू लगाओ, यहाँ पे लोग 12 बजे भी ऐसे बाहर घूम ही रहे होंगे ऐसे। हम जहाँ बैठे थे जिस कुर्सियों पे बैठे थे, और ट्रेन हमारे आगे से जा रहे थे, हम आराम से बैठे थे। ऐसे बन गया वीडियो बना रही है क्या? जब कौन सी वीडियो बन रही है? S7 से भाग के हमने तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। एंड मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई। एंड उसके बाद मैं आउटरो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो ये मैं बहुत एडिट करते वक्त रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो अभी बहुत सारे और व्लॉग्स आएंगे, कैसे मैंने डे वन भोपाल में कहाँ घूमने गए एंड बहुत जगह मैं आपको दिखाऊंगी भोपाल की। सो काफ़ी आप लोग इंजॉय करोगे। एंड आई नो इस ब्लॉग के बीच में बहुत एक क्लिप ऐसी हुई कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, जब मैं प्लेटफॉर्म पहुंची दिल्ली के एंड वहाँ से ट्रेन में कैसे चढ़ी हूँ वो तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी ना। और फिर सबने होप छोड़ दी थी कि मैं पहुंच भी पाऊंगी, ट्रेन पकड़ भी पाऊंगी, बट जस्ट एक मिनट बचा था ट्रेन चलने में और मैं ट्रेन में बैठी बट बड़ी मुश्किल से। मतलब ये था अब तो निकल गई, अब तो वापस चलो भाई घर ही जाएंगे, बट जैसे तैसे पहुँच गई थी। और क्या कहते हैं, आपको पता है मैं प्लेटफॉर्म पे भाग रही थी और मेरी ना शूज़ की लेसेस खुल गई भागते भागते, तो मैं सीढ़ियों में भाग रही थी जल्दी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में, लेसेस मेरे पैर में आई और मैं प्लेटफॉर्म पे गिर गई। मैं प्लेटफॉर्म पे गिर गई और फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो उस टाइम पे कुछ और तो था नहीं, तो जैसे तैसे एकदम से खड़ी हुई बिना लेसेस बांधे मैं फिर से भागने लगी ट्रेन पकड़ने के लिए। और फिर मैंने ट्रेन में जब मैं सीढ़ियों से उतरी तो प्लेटफॉर्म पे मैं भाग रही हूँ, और प्लेटफॉर्म पे भागते भागते मैं एक चीज सोच रही हूँ कि मैं लेसेस पहले बांधूँ या मैं पहले ट्रेन पकड़ूँ। सो लेकिन मैंने लेसेस नहीं बांधी, मैंने पहले ट्रेन पकड़ी क्योंकि ट्रेन बिल्कुल लेट हो चुकी थी और मैं बैठी और ट्रेन चल पड़ी, तो फाइनली पहुंच गई। एंड जब मैं पहुंची तो मैंने जैसे सबको बताया कि हाँ मैं फाइनली पहुंच गई हूँ, तो सब शॉक हो गई कि ये कैसे हो गया, ये जादू कैसे हो गया, कि सब ने बिल्कुल होप छोड़ दी थी, सबको यही था लेट होगी, अब नहीं पहुंचती, अब नहीं पहुंचती, अब तो वापस घर जाना पड़ेगा। तो इसलिए इतनी जल्दी थी ना, तो वहाँ पर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई कुछ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड आप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और नीचे सब्सक्राइब तो कर ही दो, रेड वाला बटन दबा दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, शेयर करो, और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी।